आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी में मुलाकात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की आवश्यकताओं और समस्याओं से अवगत कराते हुए नक्सल प्रभावित और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क परिवहन सुविधाएं बढ़ाए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं भारतमाला योजना अंतर्गत 3 राजमार्गों को शामिल करने की अनुमति भी प्रदान की। मुलाकात के दौरान श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों और सैद्धांतिक राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण उन्नयन पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित कार्यों को अनुमति देने का आग्रह किया। श्री बघेल ने भारतमाला योजना के अंतर्गत 3 राजमार्गों को शामिल करने की मांग भी की है, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य में लगभग 20,000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों की सहमति देते हुए रायगढ़ धर्मजयगढ़ मार्ग, अंबिकापुर भैंसामुड़ा व ड्रफनगर धनगांव बम्हनी रेणीकूट बनारस मार्ग और पंडरिया बजाग गाड़ा सरई मार्ग को भारतमाला योजना में शामिल करने की अनुमति प्रदान की। इसके अलावा पूर्व में इस योजना में सम्मिलित रायपुर दुर्ग बाईपास, रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग और बिलासपुर उर्गा मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के अनुरोध को भी केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया है। मुलाकात के दौरान भूपेश बघेल ने वार्षिक योजना 2020-21 के अंतर्गत मुंगेली में पोंडी मार्ग से मदांगमुड़ा से देवभोग ओडिशा सीमा तक निर्माण कार्य की स्वीकृत, राष्ट्रीय राजमार्ग चापा कोरबा कटघोरा मार्ग के अत्यंत खराब स्थिति और राष्ट्रीय राजमार्गों पर विद्यमान लेवल क्रॉसिंग पर ROB निर्माण की ओर भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। वहीं मुख्यमंत्री ने रायपुर से धमतरी मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य की धीमी गति पर संबंधितों को कार्य की गति बढ़ाने हेतु निर्देशित करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों के विकास संबंधी अन्य विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में जो नेशनल हाईवे है जो अटके हुए थे, करीब 13-14 प्रोजेक्ट है, उनके बारे में हमने अनुमति दी है। प्रोजेक्ट को तुरंत उसके काम शुरू करेंगे और उसके बाद में करीब 4 ऐसे राष्ट्रीय महामार्ग थे, वो वहाँ उत्तर प्रदेश में जाते हैं, बाकी जगह उसका डिटेल्स आप देंगे, तो उसको भी हमने राष्ट्रीय महामार्ग घोषित करने के बारे में अनुमति दी है। सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे है कि रायपुर से विशाखापट्टनम हम करीब 15,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं, जिसमें से 5,000 करोड़ का काम छत्तीसगढ़ में होगा। उसकी लैंड एक्विजिशन लगभग शुरू हो गई है और आने वाले 3 महीने में इसका हम शुभारंभ कर देंगे काम का। लगभग बीड निकालने की स्थिति में आए हैं, तो 5,000 करोड़ का आज ये काम के बारे में सहमति बनी है, जिसमें लैंड एक्विजिशन के लिए और बाकी बातों के लिए राज्य सरकार ने सहयोग करना चाहे ऐसी प्रार्थना उनको की है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जो रायपुर से दुर्ग तक नया हाईवे बना रहे हैं 6 लेन, और ये 5,000 करोड़ का है, उसकी अलाइनमेंट को हमने आज मुख्यमंत्री जी को दिखाया, उन्होंने अनुमति दी है और उसको भी हम लोग जल्दी काम शुरू करेंगे। तो आज के मीटिंग में ये 5,000 करोड़ का रायपुर से दुर्ग ये द्रुतगति मार्ग को हमने मंजूरी दी है, 3 महीने में इसका काम शुरू करेंगे। और रायपुर से विशाखापट्टनम जो 15,000 करोड़ का रोड है, उसमें से भी 5,000 करोड़ छत्तीसगढ़ का जाता है, वो भी काम करेंगे। और बाकी जो साहब ने मांगे थे 13 प्रोजेक्ट, वो पूरे के पूरे जितने मांगे उतने हमने मंजूर कर दिए। और जो राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में जो उन्होंने कहा था, जो बहुत नक्सलाइट बेल्ट में सुरक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है और उत्तर प्रदेश को सोनभद्र जिला और उधर से जोड़ने वाले दो राज्यों के बीच में, तो उसके केसेस उन्होंने दिए, वो 4 या 5 हाईवे को हमने कहा कि हम इसके बारे में भी निर्णय करेंगे। यानी 10,000 करोड़ का जो है वो छत्तीसगढ़ को आज मिला है, कहा जा सकता है? नहीं, वो 10,000 ये है, बाकी का अलग है, और 20,000 करोड़ के ऊपर ही होगा। नए साल का तोहफा है सर छत्तीसगढ़ को? ऐसा तोहफा का नहीं है, हमारा राज्य और भारत सरकार हम एक ही हैं, हम मिलकर काम करते हैं और सभी राज्यों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो जो भी समस्या है राज्यों के सामने होगी, उसमें मदद करना ये हमारा कर्तव्य है, तोहफा नहीं है, क्योंकि हम मिलकर काम कर रहे हैं तो हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं। और इस देश के विकास में छत्तीसगढ़ माइनिंग के कारण कोल है, स्टील है,
इसके कारण एक प्रगतिशील समृद्ध राज्य बन रहा है। तो निश्चित रूप से उसके लिए जब तक रोड नहीं बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तब तक नई इंडस्ट्री नहीं आएगी, रोजगार निर्माण नहीं होगा। और इसलिए पूरी तरह से जहाँ जहाँ उन्होंने कहा है कि ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र जहाँ है उस जगह पर कर रहे हैं। और इस समय के रोड के बारे में हमने कहे कि जो नक्सलग्रस्त एरिया है उसमें तो मैंने ब्लैंकेट कहा, क्योंकि हम उधर विदर्भ से छत्तीसगढ़ गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र का जुड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ तो काम करता था अनेक सालों तक। वहाँ मैं 1100 एकल विद्यालय चलाता हूँ, तो वहाँ सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्डनेस कितना है मैं समझता हूँ और मैंने अनुभव भी किया है। तो इसलिए मैंने आज आदेश दिया है कि नक्सलाइट बेल्ट के जो भी रोड है वो DPR बना के लाए और क्लियर करके लाए, हम सब मंजूर करके पूरे पैसा दे देंगे, हमें कोई पैसे की कमी नहीं है। इस क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है आदिवासियों का, वनवासियों का, उसके विकास के लिए जो वंचित है सोशली इकोनॉमिकली उनको प्राथमिकता है। और जितने प्रोजेक्ट उस क्षेत्र के हमें छत्तीसगढ़ सरकार देंगी वो प्राथमिकता से हम करके